सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10,50,00,000 रुपए का लेन देन का हिसाब भी पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी प्रकाश ठाकुर निवासी न्यू कॉलोनी गुमानपुरा कोटा हरीश त्रिकोटिया निवासी त्रिवेणी आवाज बजरंग नगर बोरखेड़ा कोटा लोकेश कुमार वनवानी निवासी बजरंग नगर कोटा तथा नितिन व्यास निवासी लाडपुरा करबाला कोटा को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती ममता गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के बारे में विशेष टीम गठित की गई चलाए और अवैध जुआ सट्टे की ऑनलाइन करने की सूचना पर मन थाना अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर भेजी गई। तो एक लग्जरी होटल में वीआईपी रूम में इनको सट्टा उपकरण ऑनलाइन सहित इनको वहाँ से पकड़ा, पूछताछ की तो इन्होंने कबूल किया और चारों को मौके से गिरफ्तार किया, सट्टा उपकरणों को मौके पर जब्त किया। कितने के ऑनलाइन सट्टे का हिसाब किताब पकड़ा है? इनके सट्टा उपकरण जो इलेक्ट्रिक मोबाइल या लैपटॉप वगैरह सभी में टोटल किया गया तो 10,50,60,000 का लगभग। कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं सर? इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए और चारों कोटा के निवासी हैं। आरोपियों के नाम सर? एक प्रकाश ठाकुर, हरीश, नितिन व्यास और लोकेश, चारों ने कबूल किया है और हम ये आईपीएल मैच जो चल रहा है इस पर ऑनलाइन सट्टे का। सर कितने मोबाइल और कितने लैपटॉप जब्त किए गए हैं? क्या टोटल 12 मोबाइल हैं और 2 लैपटॉप हैं और स्पीकर डोंगल और चार्जर वगैरह सभी अन्य उपकरण।